अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा की मौत और एक्सीडेंट में घायल हुए दो विद्यार्थियों को मुआवजा देने की मांग को लेकर आज छात्र पदाधिकारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश बुदारा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान विद्यार्थी मेन गेट पर कुलपति को ज्ञापन देने की मांग को लेकर अड़ गए, जिसके चलते सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों से समझाइश की गई। ज्ञापन लेने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई नहीं आया तो धरने में मौजूद छात्राओं ने यूनिवर्सिटी गेट पर चूड़ियां फेंकी, कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष लोकेश गोदारा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया कि छात्र छात्राओं के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 22 दिसंबर को पूरी होने के बावजूद अभी तक प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं करवाई गई है, जिसके कारण मजबूरी में यह विद्यार्थी अजमेर में रह रहे हैं और इसके कारण वह सड़क हादसे का शिकार हुए। ऐसे में सभी विद्यार्थियों ने मृतक छात्रा आस्था गौतम को 20 लाख रुपए और घायल हुए दोनों विद्यार्थियों को 5 लाख मुआवजा देने की मांग रखी। साथ ही देरी से परीक्षा होने पर विभाग के स्तर पर कार्रवाई करने और इंश्योरेंस के पैसे समय पर दिलवाने की मांग रखी गई। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई व मांगे नहीं मानी गई तो दीक्षांत समारोह में विरोध किया जाएगा। आज हमने जो 7 जनवरी को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की आस्था गौतम का हादसे में देहांत हो गया था, उसके समक्ष उसके परिवारजनों को आर्थिक सहायता के लिए हमने ज्ञापन दिया था। और ये इसीलिए क्योंकि उस लड़की का मौत का जिम्मेदार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की HOD और यहाँ का यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, क्योंकि 22 तारीख को उन सब बच्चों के एग्जाम हो गए थे, उसके बाद में उनका सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए उन बच्चों को रोकना, जो मतलब आज उस वजह से हमारी बच्ची, वो हमारी बहन हमारे साथ नहीं है, तो हमने विशेषज्ञ को ज्ञापन दिया कि उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए। तो विशेषज्ञ ने बोर्ड मैनेजमेंट के अंदर इंस्पेक्शन लेने की बात की, तो हमने 5 दिन का उनको टाइम दिया। 5 दिन में यदि वो कोई एक्शन लेते हैं तो ठीक है, वरना होने वाले दीक्षांत समारोह का सभी बच्चे बाइकआउट करेंगे। चूड़ी भी पहनाने की बात है। बिल्कुल चूड़ी पहनाना, क्योंकि विशेषज्ञ जब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बच्चों से बात करने के लिए डर रहा हो, तो मेरे ख्याल से वो चूड़ी पहनने के लिए लायक है। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो हालात है वो बदतर से बदतर है, क्योंकि यहाँ के वाइस चांसलर खुद मीडिया के सामने, कई जो आप लोगों के पिछले फुटेज भी है उसके अंदर इन्होंने कहा कि मेरे कर्मचारी मानते नहीं, मेरी कोई HOD मानते नहीं। तो ये व्यवस्थाएं 8-10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्जाम, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग अपनी मनमर्जी से करते हैं। मतलब वाइस VC का कोई लेना देना नहीं है, VC नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ कुर्सी पर जाके बैठने के नाम के लायक VC है। मांगे नहीं मानने पर हाँ बिल्कुल दीक्षांत समारोह का बाइकआउट करेंगे, बिल्कुल बाइकआउट।